नमस्कार, टेस्ला फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने बात की थी फुल नीलिंग पे पेल्विक कंट्रोल और अपर ट्रंक कंट्रोल का, एक साथ बच्चे के ब्रेन में कोऑर्डिनेशन कराना, उसको स्टेबिलिटी कराना, उसको सिखाना। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाफ नीलिंग पोजीशन पर। पिछले सेशन में हमने बात की थी फुल नीलिंग पे, जिसमें कि पेल्विक कंट्रोल और अपर ट्रंक कंट्रोल के बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे हाफ नीलिंग। हाफ नीलिंग पोजीशन में क्या होता है? फुल पेल्विक कंट्रोल बच्चे के दिमाग ब्रेन में कोऑर्डिनेट कराना पड़ता है हमें। उसमें ध्यान रखना है कि जो भी करना है बच्चे को कराने से पहले हमें ध्यान देना है कि बच्चे को बोलना है कि अपना पैर निकालो, देखना है ये वाला पैर निकालो बेटा, देखना है कि किस तरह वो निकाल रहा है, कहाँ कहाँ मूवमेंट हो रहा है। जैसे कि इसने पैर निकाला, इसके फुट में मूवमेंट हुआ, फिर उससे बोलना है कि हाथ से ये वाले हाथ को हमें रखवाना है। तो ये हाथ जब रखेगी तो जिस जहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंटी मूवमेंट आ रहा है, अटैक्सिक सर्वर पॉलिसी में मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, बैलेंस बहुत पुअर होता है, देख रहे हैं हाथ को अंदर लाने में उसको कितनी प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने इनोवेशन बताया था कि हमें उसको रोकना है, उसे कहाँ कहाँ रोकना है, हमें शोल्डर पे रोकना है, उसके शोल्डर को रखना है, एल्बो को स्टेबलाइज करना है और फिंगर को ओपन करके हमें हाथ को स्टेबल करना है। और उससे बच्चे से बोलना है कि दूसरे हाथ को उस इस हाथ पे रखने के लिए राइट हैंड को उसके लेफ्ट हैंड पे रखा के उसे हमें होल्ड करना सिखाना है। ध्यान देना है इस पोजिशन पर कि जो ये पोजिशन होती है नी फ्लेक्शन का जो होता है, ये 90 डिग्री होना चाहिए ये एंगल, और हाथ को नी पे रखाना है हमें, और फिर हमें पेल्विक को सपोर्ट देना है। ये सामने देखो बेटा, सामने देखो, और बच्चे से बोलना है सामने सामने देखो। उसके बाद इसमें इसको कंट्रोल करना सिखाना है, पेल्विक को कंट्रोल, जैसे मूवमेंट अब देखें पंजे पे आ रहा है, फुट पे आ रहा है, तो उसको हमें इनोवेशन कराना है। आप अकेले दो लोग, मैंने बताया था कि दो लोग होना आवश्यक है। आप आ जाइए यहाँ पर, आप पंजे को ऐसे होल्ड करिए, ऐसे इसे हम उनकी माँ से बोल के इसको कंट्रोल करना सिखा रहे हैं कि इस पर कैसे रोकना है। इसको आप बेटा दबा के रखो, फिर हमें पोजीशन मेंटेन कराने के लिए पेल्विक को कंट्रोल करना है, देखना है ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और इस तरह हमें पोजीशन को मेंटेन कराना है बच्चे को, और सामने देखने के लिए इसको बोलना है। सामने देखो बेटा, कोई भी चीज़ का ऑब्जर्वेशन उसे कराना है। हाथ रखो, कंट्रोल करो, हिलना नहीं है, बच्चे से बात करते हुए उसको प्रेस करना है नी को, ऐसे होल्ड कराना सिखाना है उसको प्रॉपरली। सामने देखो बेटा, ये ऐसे, जब बच्चा ऐसे सीख जाता है, इस पोजीशन को मेंटेन करने लगता है, उसका कोऑर्डिनेशन और बैलेंस थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने लगता है, तो हमें उसे रीच ऑब्जेक्ट पर काम करना है। हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम राइट लेग को हाफ नीलिंग पोजीशन में निकाले हैं, 90 डिग्री में आगे की तरफ किए हैं, तो उस हाथ को हमें स्टेबल कराना है और लेफ्ट हैंड से उसका रीच ऑब्जेक्ट कराना है, सेम साइड नहीं कराना है हमें रीच ऑब्जेक्ट। इस पोजीशन में हमें काम कराना है बच्चों को। गर्दन सीधी करो, बॉल ऊपर करिए आप, और ऊपर ये पोजिशन होना चाहिए बच्चे। इस पोजिशन को हमें ध्यान देना है कि हम जितनी देर बच्चे को कोऑर्डिनेट कराएं, उस पर हमें उसकी कमर का, उसके पैर का, उसके पंजे का, सब चीज़ का ऑब्जर्वेशन करना है कि हमें मूवमेंट कहाँ दिख रहा है, उसको इनिबिट करना है, उसको उस मूवमेंट को रोकना है, स्टेबल करना है और कंट्रोल पे लाना है। जैसे बच्चा बार बार मूवमेंट कर रहा है तो हमें बच्चे को सिखाना भी है, बेटा पंजे पे वजन दो, वेट दो पंजे पे, प्रेशर दो, हाँ ऐसे होल्ड करो अपने आप को, वेरी गुड। और ये हाथ नी पे रहेगा, इसका भी जहाँ जहाँ मूवमेंट ज़्यादा है, देखिए इसका राइट साइड में शोल्डर बाहर तरफ जाता था, हाथ पीछे जाता था, इसको हमने कंट्रोल कराया, शोल्डर को, एल्बो को और रिस्ट को हमने होल्ड करा के इसे हाफ नीलिंग पोजीशन मेंटेन कराया। ये पोजीशन हम सेम पोजीशन हम अपोजिट साइड भी करते हैं, जिससे बच्चे का पेल्विक कंट्रोल और मजबूत होता है, पेल्विक में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आती है, अपर ट्रंक में स्टेबिलिटी अच्छी आती है।
जैसा कि मैंने भी आप लोगों को हाफ नीलिंग पोजीशन के बारे में बताया, कहाँ कहाँ हमें ऑब्जर्व करना है। हाफ नीलिंग पोजीशन ऐसी पोजीशन होती है, ये पोजीशन हमें मेंटेन कराती है, बैलेंस अगर ये बच्चे में आ जाता है, उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है, तो ये हमें स्टैंडिंग की तरफ ले जाने के लिए बच्चे को इम्प्रूविंग बताती है कि मैं बच्चा स्टैंडिंग की तरफ जा सकता है। जैसा कि मैंने पिछले सेशन में बताया है कि जो भी वीडियो, जो भी एक्सरसाइजेज हम करा रहे हैं, जो भी वीडियो YouTube में पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि वही बच्चे पे सेम एक्सरसाइज चलेगी। हमें ध्यान देना है कि हमारा बच्चा किस कंडीशन का है, कैसा है, उसका असेसमेंट प्रॉपर कराना है, तब उसके ट्रीटमेंट के बारे में जानना है। सभी बच्चे अलग अलग प्रकार के होते हैं, मैंने तीनों सेशन में आपको बताया, उनकी समस्या अलग अलग होती है, उनका कंट्रोल, उनका बैलेंस, उनका कोऑर्डिनेशन, उनका अटेंशन, सब कुछ अलग अलग होता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमें अपने बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट कराना है। ऐसा नहीं है कि जो भी YouTube में वीडियो पड़े हैं, जो भी चीज़ें पड़ी हैं, उसी को देख देख के उसी के आधार पे हम अपने बच्चे पे काम करते रहें। अगले सेशन में अब बात करेंगे स्टैंडिंग स्टेबिलिटी, हम कैसे इम्प्रूव करें, क्योंकि चलने से पहले रुकना आना चाहिए, स्टैंडिंग आना चाहिए। अटैक्सिक सर्वल पॉलिसी में स्टैंडिंग, हाफ नीलिंग के बाद स्टैंडिंग लाना, उस पर स्टेबल कराना, तब आगे, क्योंकि मेन होता है बैलेंस, प्रोप्रोसेप्शन, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन। आप मूवमेंट को कैसे हम स्टेबिलिटी लाएंगे पहले, और फिर कैसे हम उसको सिखाएंगे, बच्चों को ट्रेनिंग देंगे चलने की। धन्यवाद।